और मैं यहाँ पर गरम गरम टी पीते हुए कर रही हूँ वॉकिंग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और किचन में भी आकर बहुत ठंड लग रही है। लेकिन मैं कुकिंग करते करते भी बीच में चाय पीती रहती हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही सीढ़ी मैंने बनाई है कि मैं चाय पीते पीते कुकिंग करके और फिर कमरे में जाकर भी थोड़ी सी चाय साथ लेकर जाऊंगी और वहाँ पर भी बैठ कर पीऊँगी। तो सर्दियों में तो बस चाय पीने का ही मन करता रहता है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई में घी डालकर अच्छे से गर्म किया और यहाँ पर चने की दाल जो थी मैंने भिगो कर नहीं रखी, ऐसे ही फ्राई करके इसको निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर चने की दाल का हलवा और यहाँ पर चाय बनकर रेडी है। और चने की दाल का हलवा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये परी की चाय है, परी को भी चाय दे आती हूँ ताकि चाय पी कर ट्यूशन चल जाए। तो दाल जो मैंने फ्राई की थी उसको मैंने यहाँ पर मिक्सी में दरदरा भून पीस लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा दरदरा ही हलवा पसंद है दाल का। तो दाल का हलवा कैसे बनाती हूँ मैं, एक गिलास दाल ली है तो एक गिलास ही इसमें चीनी ऐड करूँ। ये देखिए घी में मैंने पिसी हुई दाल को ऐड करके और एक से डेढ़ मिनट के लिए और थोड़ा भून लिया और उसमें चीनी ऐड कर दी। इसमें ऐड करूँगी मैं दो गिलास पानी और यहाँ पर इस टाइम इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और दो चम्मच घी, ताकि घी से ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। और इस तरह से ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। इसको लगातार चलाते हुए यहाँ पर हम करेंगे कुक, और जब तक इससे घी लग नहीं हो जाता, इसका दाना दाना लग नहीं हो जाता, तब तक हम इसे यहाँ पर कुक करेंगे। तो ऐसे ही सर्दियों में ये खास रेसिपी है जो आपको बता रही हूँ मैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जो भी आपने डालना है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको बना रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं हम सर्दियों में। तो मैं अक्सर इस तरह से दाल का हलवा बनाती हूँ। आप चाहें तो दाल को बिल्कुल बारीक कर सकते हैं, और इसी तरह चने की दाल, मूंग की दाल, आप किसी भी दाल का इस तरह हलवा बना सकते हैं। बिना भिगोए, बिना उबाले, बिना पीसे, बस इस तरह फ्राई करके आप उसे मिक्सी में पीस लें। आसानी से क्रिस्पी होने के बाद वो पीस जाती है। तो हलवा तो तैयार है चाय के साथ, अब हम उसे करते हैं इंजॉय। चलिए तो अब देख लेती हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर मैंने करेंगे मेथी को साफ, इसको अच्छे से साफ करके रख दूंगी। और आज शाम में मैंने बनानी है मेथी आलू, उसके बाद में जो है मेथी आलू बनाने के बाद रोटी वगैरह बनाऊंगी। इसी तरह से शाम तक का काम तो मेरा कंप्लीट निपट गया था। तो हमने मॉर्निंग में परी की पीटीएम में, तो पीटीएम के लिए यहाँ पर रेडी हुई हूँ। तो हम पीटीएम में जा रहे हैं। देखिए हम स्कूल में एंट्री कर चुके हैं, तो परी तो साथ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि रिजल्ट उसका जैसे भी अनाउंस होगा तो परी नहीं थी। मम्मा मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं किसी सब्जेक्ट में कभी मेरे मार्क्स ना कम हो तो मैं फिर भी परी को लेकर गई। मैं ऐसा कुछ नहीं बेटा, आपने मेहनत की है तो रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। और बट अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी होते हैं तो आप देख लोगे तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अच्छा होगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ वीक है और कहाँ थोड़ी कमी रह गई है, कहाँ आपने अच्छे से कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसी तरह मैंने थोड़ा सा ब्लॉग से भी यहाँ का शूट कर लिया था, क्लास का, स्कूल का। तो यहाँ पर मैंने कैमरे को नीचे किया हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से वीडियो शूट स्कूल में अलाउ नहीं है करना। तो मैंने सोचा फिर भी मैंने थोड़ी शूट कर लिया था, पूरे स्कूल को का तो मैं शूट नहीं कर पाई। बाहर से तो हम शूट कर लेते हैं, बट अंदर का थोड़ा सा फिर मैंने क्लास के बाहर ही रोक दिया था। तो रिज़ल्ट लेकर हम आ चुके हैं क्लास रूम से, क्योंकि वहाँ पर मैंने कमरा कैमरा जो था ऑफ कर दिया था। मेरी का रिज़ल्ट कैसा है वो आगे ब्लॉग्स में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं घर की तरफ और घर की ओर चल रहे हैं हम। तो मैंने परी से बोला, परी पहले जब भी आती थी छोटी थी तो थोड़ी ज़्यादा छोटी थी, छोटी तो अभी भी है, बट गार्डन में पहले बहुत खुश आजा झूठे ले ले आजा ले ले अरे आजा कोई गंद नहीं जाती नहीं पापा आ जाऊंगे अंदर ही दो मिनट आजा 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 बच्चे शौक से झूलती थी लेकिन अब नहीं। अब मैंने उसको इतना बोला आवाज लगाई, ये देखो साइड से जा रही है परी, परी बेटा झूठे लेने के लिए। लेकिन उसने कहा मम्मा मैं नहीं मैंने नहीं झूलना। परी का मूड थोड़ा सा ऐसे ही था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं किया झूलने का। तो फिर बस हम वापस से घर आ गए। वापस से घर आने के बाद यहाँ पर ये देखे तो परी का रिज़ल्ट तो अच्छा आया है, माशाल्लाह अच्छा है परी का रिज़ल्ट। और फाइनल में भी और इससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट परी का होगा, अच्छे मार्क्स से परी पास हुई है। तो यहाँ पर परी को मैं इसीलिए कह रही थी कि बस अपनी फ़ाइनल की तैयारी भी स्टार्टिंग से ही कवर करके चलना, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े जब एग्ज़ाम चले। तो रात दिन
लगातार मेहनत करने से पहले थोड़ी मेहनत आप पहले ही करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बाथू के पराठे, बथवे के पराठे जिसे हम कहते हैं। तो बाथू मैंने साफ करके रख लिया था और अभी मैं इसको रखूँगी बॉईल होने के लिए। तो जब मैं बाथू को यहाँ पर बॉईल करने के लिए रखती हूँ, उसी के अंदर 5 से 6 हरी मिर्च और अदरक, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 कलियाँ लहसुन की भी डाल देती हूँ ताकि साथ में ही बॉईल हो जाए। और फिर इसको थोड़ा सा बस 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करते हैं, बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। तो अब मैं इसे यहाँ पर बारीक पीस लूँगी और फिर इस तरह बनाती हूँ। देखें मैं बातों के परांठे, तो मैंने अपने पंजाबी कुकिंग तड़का पे तो शेयर की है, मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी परांठे होते हैं। तो लंच में आज यही बनने वाले हैं, तो मैं फटाफट से जो है पराठे बनाने के लिए आ गई हूँ। अब सब्जी क्या बनाऊँ, बस मैं पराठे वगैरह बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये पराठे। तो यहाँ पर बातों को मैंने पीस लिया है, अब सिंपली मैं इसको आटे के अंदर गूंद लूँगी। 1 चम्मच नमक मैंने मिला लिया है आटे के अंदर, आप चाहें तो बाथू में भी नमक डालकर मिला सकते हैं, पीस सकते हैं। तो ढो यहाँ पर आटे का बनकर रेडी है। तो मैं किस तरह से पराठे बनाती हूँ अब इसके, चलिए वो भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल सारी पेड़ी बनाकर रख ली है, तो 2 तरह के पराठे मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, चाय के साथ में खाएं आप, मक्खन बटर आप चाहें इसको घी के साथ में खाएं, अचार के साथ में खाएं, अगर इतनी ठंडी में दही का मन है तो दही के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनकी तासीर जो है बहुत ज़्यादा गर्म तासीर के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं सर्दियों में और बॉडी को गर्म रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्षमता होती है कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये बॉडी में थोड़ा हीट प्रोड्यूस करके रखते हैं ताकि हमें ठंड कम लगे और फ़ायदे ज़्यादा हों। तो ये सिंपल तरीके से बना रही हूँ यहाँ पर, ये तो गोल बनाया है मैंने सिंपल तरीके से, एक घी इसके अंदर भर के चोर जो पराठा होता है वो बनाती हूँ। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चे भी इन्हें शौक से खाते हैं। पर ये तो बहुत शौक से खा लेती है क्योंकि इसका कलर जो है ग्रीन कलर आता है ना निकल के, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और टेस्ट भी इसका, क्योंकि हम इसके अंदर मिर्च गार्लिक वगैरह ऐड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अलग से चटनी वगैरह तो नहीं बनाती हूँ, मैं तो इसी सिंपल तरीके से बना लेती हूँ। इसी तरह मैं कई चीज़ों के पराठे, कई वेजिटेबल के पराठे बना लेती हूँ जो लीफ फ़ायदेमंद हैं, जैसे कि इस तरह ही मैं पालक के भी बना लेती हूँ और मेथी के बनाती हूँ, बाथू के बनाती हूँ। बाथू के तो यहाँ आपके साथ में शेयर ही किए हैं। और इसी तरह से मैं काफ़ी पराठे बनाती हूँ जो कि व्लॉग्स में आपके साथ में आलू के पराठे, गोभी के पराठे में शेयर कर चुकी हूँ। तो गोभी के पराठे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर ज़रूर से करूँगी। तो गोभी के मैं गोभी को बॉईल नहीं करती हूँ और ना ही गोभी को पकाती हूँ, कच्ची गोभी के पराठे बनाकर यहाँ पर रेडी करती हूँ। तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत ही इजी भी हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, विंटर में जो होता है खाने हम अच्छे अच्छे खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरह की वेजिटेबल हमें मिल जाती है सर्दियों में और गर्मियों में इतनी वेजिटेबल नहीं होती। तो ये देखें चोरस पराठा भी बनकर रेडी है और चाय भी गर्मा गर्म। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं चाय और पराठे को एंजॉय। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।